आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, और उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, और उसमें फिर प्योरली जो ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट है वो किस तरीके से की जाती है, हम इसको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आता है कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या होता है। तो विजन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि विजन इज अ फाइनल डेस्टिनेशन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू गो इन फ्यूचर, उसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन का विजन। सपोज एक छोटा इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि अपने आप को फ्यूचर में एक मेच्योर या टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी जो हैं उनमें शुमार करना चाहता है। तो उस छोटे इंस्टीट्यूशन का जो विजन होगा, जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन इन फ्यूचर होगी, वो ये होगी टू बी द लीडिंग और टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, या ऑफ पंजाब कर लो, कुछ भी, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू गो, बट दी स्मॉलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वॉन्ट्स टू बी इन द फ्यूचर, वो होगा ऑर्गेनाइजेशन का विजन। अब इस विजन को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि उसके पास अभी कितने और कौन कौन से वाले रिसोर्सेज हैं, फिर इस फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मजीद कौन कौन से रिसोर्सेज और किस अमाउंट में या किस क्वांटिटी में चाहिए होंगे, तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन। मिशन हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी है इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, वो क्या है, अभी वो किस काबिल है, अभी वो क्या कुछ कर सकती है, ठीक है, वो ये देखती है, उसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन। अब एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज की बेस पे ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि वो फ्यूचर में जहाँ जाना चाहती है उसके लिए और क्या कुछ करना पड़ेगा, तो वो जो क्या कुछ करना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल। अब इस गोल्स में कुछ ऐसे गोल्स होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर गोल सेट करती है, कि 1 साल के बाद या पांच अगले आने वाले 5 सालों में हम ये करेंगे, उसको हम कहेंगे, सपोज कहती है ऑर्गेनाइजेशन के अगले आने वाले 5 सालों में हमने अपनी जो सेल्स हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा गोल क्या होगा कि अगले 5 सालों में हमने अपने जो करंट ईयर की एनरोलमेंट है उससे 10% ज़्यादा एनरोल करना है अपने स्टूडेंट्स को एक डिग्री प्रोग्राम में, तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म गोल। अब इस लॉन्ग टर्म को भी वो मजीद शॉर्ट टर्म गोल्स में कन्वर्ट कर लेती है के 1 ईयर में हमने एटलीस्ट ये जो 10% एनरोलमेंट इंक्रीज करनी है वो तब पॉसिबल होगा अगर हम एक अज्यूम करते हैं कि 1 साल में कम से कम हमारी एनरोलमेंट की जो परसेंटेज है वो 2% एग्जिस्टिंग एनरोलमेंट से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, जितनी भी अभी स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं ये 2% ज़्यादा इनमें इंक्रीज आना चाहिए हमारे अगले साल की एनरोलमेंट में, फिर उससे अगले साल की एनरोलमेंट में मजीद 2%, ठीक है, मतलब 2 सालों में 4%। तो इसी तरीके से लॉन्ग टर्म गोल हम कहेंगे उस गोल को जो कि मोर देन 1 ईयर होगा, और शॉर्ट टर्म गोल उसको कहेंगे जो कि 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर होगा। अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्लान कर रही होती है, तो उस प्लानिंग को, अगर तो वो लॉन्ग टर्म गोल की प्लानिंग कर रही हो तो उसको कहेंगे स्ट्रेटजी, और अगर वो शॉर्ट टर्म गोल्स की प्लानिंग के को अचीव करने के लिए प्लानिंग कर रही है तो उसको कहते हैं पॉलिसीज। जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें मोटे मोटे क्या काम करने हैं वो लिखे जाते हैं या उनकी प्लानिंग की जाती है, और शॉर्ट टर्म में क्या होता है सेट ऑफ एक्टिविटीज, जो फुल प्रोसीजर होता है हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, हाउ टू अचीव और
कंप्लीट और ऑब्टेन अ शॉर्ट टर्म गोल, उसको हम कहेंगे ये एक पॉलिसी है जिसमें सेटअप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं इन ऑर्डर टू अचीव अ शॉर्ट टर्म गोल, और लॉन्ग टर्म गोल की अचीवमेंट के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसको स्ट्रेटजी कहते हैं। ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन तक का। अभी एक मैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, जस्ट इन ऑर्डर टू एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ विजन मिशन एंड गोल्स, के आप अभी हैं यहाँ पे, हम करते हैं कि आप बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं ऑनर्स डिग्री के, अगर तो आप सीएस में पीएचडी, सीएस में अगर हम टीचिंग साइड पे रहते हुए अगर सोचते हैं कि आपका ये प्लान है या आप ये सोचते हैं योर डिज़ायर्ड फ्यूचर डेजिग्नेशन जो है या डेस्टिनेशन वो है टू बी अ प्रोफेसर इन अ टॉप क्लास यूनिवर्सिटी, तो टॉप क्लास यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होने के लिए यू मस्ट बी अ पीएचडी डॉक्टर। तो एग्जिस्टिंग क्या है, आप तो अभी ऑनर्स आपने किया हुआ है, इसी तरीके से मैनेजमेंट साइंसेस के अगर आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं दैट इज़ योर विजन, जो कि आपकी फ्यूचर में एक डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन है। और मिशन क्या है, आप बीबीए ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो व्हाट एल्स यू नीड टू गो टू योर फाइनल डेस्टिनेशन, उसको हम कहेंगे गोल। अब पीएचडी डॉक्टर कंप्यूटर साइंस या पीएचडी डॉक्टर जो सॉरी प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस या प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस बनने के लिए आपको और क्या करना चाहिएगा, ऑनर्स तो है आपके पास, और क्या चाहिए? ऑनर्स के बाद आप सोचेंगे कि मुझे पीएचडी डॉक्टर बनना पड़ेगा तो मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती या सकता हूं। तो इसमें जो लॉन्ग टर्म गोल होगा आपका वो होगा पीएचडी डॉक्टर, ठीक है। और इसमें फिर शॉर्ट टर्म गोल्स आप कौन से सेट कर रहे होंगे, आपका अभी आपने जब या ओवरऑल गोल्स की जब बात करें तो आपको पता है कि पहले आपने ऑनर्स के बाद एमएस करना है, फिर उसके बाद आप पीएचडी करेंगे, फिर आप कुछ पब्लिकेशंस करेंगे, फिर यू कैन बी एबल टू बी अ प्रोफेसर ऑफ योर एरिया, मैनेजमेंट साइंसेज है या वो सीएस है, जो भी है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम मज़ीद इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अगर मैं बिल्ड करना चाहूँ लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स के हवाले से, तो आपका अगर तो गोल हो कि सपोज एमएस के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एटलीस्ट 3 GPA, सी जी पी ए आपका कम्युलेटिव GPA आ गया आपकी ऑनर्स की डिग्री से, तो ऑनर्स में कम से कम 3 GPA लेने के लिए आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या बनाएंगे, आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये होगा कि डिग्री की रिक्वायरमेंट जो है एमएस में एडमिशन के लिए ऑनर्स में आपका GPA कम से कम जो CGPA है वो 3 होना चाहिए, ये होगा आपका लॉन्ग टर्म गोल जो कि 4 सालों की बेस पे है। और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या बनेंगे आपके, पर सेमेस्टर जो GPA आप प्लान कर रही होंगी कि कम से कम इतना GPA अगर मैं हर सेमेस्टर में लूँ देन आई विल बी एबल टू गेट अ CGPA ऑफ 3 out of 4, ठीक है। अब इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी गोल्स प्लान कर रही होती है। अब यहाँ पे गोल्स को अचीव करने के लिए करना क्या पड़ेगा, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि अब यहाँ पे चीज़ें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएंगी रिलेटिवली। तो व्हाट आर द फंक्शंस एन ऑर्गेनाइजेशन हैड टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन या डिज़ायर डेस्टिनेशन इन फ्यूचर, उसके लिए मेजर फंक्शंस जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं वो फाइनेंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है अगर, और कोई छोटा इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर आपने चलाना है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बिल्डिंग, उसके जो चेयर्स टेबल है, मल्टीमीडिया हो गया, रूम्स, आपको उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, उनके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ जाएगा। तो इन शॉर्ट हम ये देखेंगे कि कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, कैश से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी
वो सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा। तो सिमिलर एक्टिविटीज जो कैश इनफ्लो कहाँ कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है और किस तरीके से जा रहा है, ये सारी सिमिलर एक्टिविटीज हैं। जैसे जैसे कि हमने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए पढ़ा था, तो इन सिमिलर एक्टिविटीज को इकट्ठा करके एक डिपार्टमेंट बना दिया, दैट इज फाइनेंस डिपार्टमेंट। कैश के बारे में जो भी मसले मसाइल होंगे, जो भी डिसीजंस होंगे, दैट विल बी टेकन बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट ओनली। उसके बाद एक और मेन फंक्शन होता है कि यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स होंगे तो कैश आएगा, तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए फीस स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो भी अगेन फाइनेंस डिसाइड करेगा। लेकिन आपने स्टूडेंट्स को, आपने अपनी टारगेट पॉपुलेशन को, अपने टारगेट मार्केट को बताना तो है कि दीज आर दी प्रोग्राम्स, उसके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इतना टाइम पीरियड होगा लगेगा आपका कंप्लीट डिग्री अचीव करने में, तो यहाँ पे हमारा वेन्यू है, ये हमारे फैकल्टी हैं, ये प्रोग्राम्स हम ऑफर कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में आपने लोगों को, आपने पब्लिक को बताना है। तो इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट चाहिए होगा जो कि होगा मार्केटिंग, ताकि ये बता सके लोगों को कि हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम ये वाली प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं और हम यहाँ पे इसके साथ साथ और क्या काम करवा रहे हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्लासरूम्स कैसे हैं, हमारी लैब्स कैसी हैं, हमारे पास फी का स्ट्रक्चर जो है अफोर्डेबल है, मेन रोड पे है, ये है वो है, सारा जितना भी डिटेल वो कस्टमर्स को या अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए बताएंगे। फिर कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है, कौन से प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि एक डिग्री में एनरोल होने के लिए ज़रूरी हैं, कि आपने स्कूल इंटर में ये वाले सब्जेक्ट पढ़े हुए हों या ना पढ़े हुए, ठीक है। ये चीज़ें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एडमिशन का वो बताया जाता है, और फिर उन उन एरियाज़ में एडवर्टाइज़ किया जाता है, उन उन एरियाज़ में मार्केटिंग की जाती है, जहाँ से आपको पता होता है, आपको एक अंदाज़ा होता है कि यहाँ से हमारे मतलब के लोग जो हैं वो निकल सकते हैं, या यहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, जिनके एडमिशन्स हम अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर करना चाह रहे होते हैं। तो आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट योर इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज। अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी है तो अपनी प्रोडक्ट के बारे में जिस तरीके से ऐड दिए जा रहे होते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये इतने मिनटों में ये कर दे, सर्फ एक्सल का ऐड आपने देखा है कि एंटीबैक्टीरियल भी हो गया, दाग नहीं तो सीखना नहीं, बच्चों को उन्होंने टारगेट किया कि ठीक है ज़्यादा वो कपड़े गंदे करते हैं और जिस भी तरह का दाग हो उसको वो साफ़ कर देगा विद इन फ्यू मिनट्स, तो बाकी कपड़े का फैब्रिक भी बरकरार रहेगा, और इस टाइप की चीज़ें वो सारी हाईलाइट करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिहाज से, ताकि लोगों को पता हो कि यस दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर व्हाट वी वर वॉचिंग, यही तो चीज़ हमें चाहिए थी, ठीक है, या हमारे मतलब का इंस्टीट्यूशन, हमारे मतलब की प्रोडक्ट या हमारे मतलब की सर्विस जो है ये फलां कंपनी हमें दे रही है। उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये कर रही होती है, फिर सिर्फ अट्रैक्ट करना मकसद नहीं होता, अट्रैक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूस बेसिस पे अपने आप को मार्केट में इन रखने के लिए भी मार्केटिंग करना पड़ रही होती है, ताकि लोगों को हर दफ़ा याद हो कि जब भी उनको कोई इशू होगा, जब भी उसी तरह की प्रॉब्लम अराइज होगी, तो दिस इज़ द कंपनी जिसके पास इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है। वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो सकता है, वो सर्विस की फॉर्म में हो सकता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो लर्निंग है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी भी डिग्री की फॉर्म में, तो उसके बारे में कंपनीज अवेयरनेस क्रिएट कर रही होती है। अब ये सारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है, इसको एक अलग फंक्शन बना दिया जाता है कि ठीक है पैसा है हमने इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ करना है ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो डिसीजन लेगा, फिर एक्सटर्नल पब्लिक के साथ आपने कांटेक्ट करना है, क्या चीज़ें बतानी है अपने इंस्टीट्यूशन की, अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की, क्या नहीं बतानी और किस तरीके से बतानी है, ठीक है, ये इस तरह से होगा, और किन लोगों को बतानी है, किन सोर्सेज के थ्रू,
तो ये सारा मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट इसके लिए अलग से बना दिया जाता है। इसी तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उससे पहले हम एचआर डिपार्टमेंट को देख लेते हैं कि ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए या कस्टमर्स को या कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को देखने के लिए भी एक डिपार्टमेंट है, लेकिन करना क्या है, व्हाट टू डू और हाउ टू डू और हु विल डू, ये तीन चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की। करना क्या है, कौन सी जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक जॉब टाइटल में परफॉर्म करनी है जो कि सिमिलर टू वन अनदर हो, ऐसा ना हो कि वो टोटली डिफरेंट हो जाए। और फिर करना क्या है, उसके लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इन अ पर्सन, वो भी एचआर डिपार्टमेंट देखेगा। फिर कितना पे करना है उनको, किन बेसिस पे करना है, इवेल्युएशन किस तरीके से करनी है परफॉर्मेंस की, ये सारी चीज़ें भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देख रहा होगा। किस तरीके से करना है ये भी यही देख रहा होगा। फिर ह्यूमन रिसोर्स काम भी होने लग गया, सब होने लग गया। अब आपने कैश आपके पास है खर्च करने के लिए, कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोगों को में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से। काम भी देख लिया क्या करना है, किस तरह से करना है और कौन सा इंडिविजुअल किन एबिलिटीज की वजह से कौन सा काम कर रहा होगा, आपने वो भी देख लिया। अब बात आती है कि कैसे आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को एंड यूजर तक डिलीवर करना है। हाउ विल यू विल बी सप्लाइंग योर प्रोडक्ट और सर्विस टू द एंड यूजर, उसकी एक पूरी चेन होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, कौन सी होगी, कितनी शिफ्टों में काम करेगा और उसकी किस तरीके से डिलीवरी होगी प्रोडक्ट की या सर्विस की, कि उसके अंदर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम या कोई डिफेक्ट ना आए। अब यहाँ पे वी आर मोर कंसर्न विद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, क्योंकि दिस इज दी मेजर कोर्स जो कि हम पढ़ रहे हैं, ये उससे रेलिवेंट है। तो एचआर डिपार्टमेंट में एक तो डायरेक्टर होगा ह्यूमन रिसोर्स का, हु विल बी प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू ऑल द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग अंडर हिम। ठीक है, कि एचआर के रेलिवेंट जितनी भी जॉब ड्यूटीज हैं उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, और उनमें अब ह्यूमन रिसोर्स के जो मेजर फंक्शंस हैं उनकी बेस पे हम कह सकते हैं कि एक रिक्रूटिंग आ गया। रिक्रूटिंग में क्या है, जॉब पोस्टिंग, एप्लीकेंट सर्चिंग, इंटरव्यू अरेंजिंग, एप्लीकेंट चूजिंग, ये चीज़ें क्या हैं, सारी सिमिलर हैं, किसके सिमिलर, रिक्रूटिंग के। तो किस तरीके से करनी है, क्या करनी है, एचआर डायरेक्टर जो है इनको डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहा होगा कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, इतने लोग हमें चाहिए और इन एलिजिबिलिटी वाले चाहिए। अब वो कहाँ पे उसका ऐड क्या बनाना है, उसमें कौन से लोगों को इन्वॉल्व करना है, कौन से मीडियम को यूज़ करना है आपने एडवर्टाइजिंग के लिए, ये सारा देखा जाएगा रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन के थ्रू। और इसमें ऑब्वियसली वो बंदा रिक्रूटिंग फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा जो कि ये वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की स्किल्स रखता हो, एबिलिटीज रखता हो, प्लस उसका एक्सपीरियंस इन्हीं कामों में। इसी तरीके से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को अगर देखें तो ये क्या है, ये भी एक अगेन ह्यूमन रिसोर्स का ही एक फंक्शन है कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ को, सिर्फ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को, किस इंडिविजुअल को किस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका ऑन द जॉब होगा, ऑफ द जॉब होगा, कितने टाइम का होगा, ट्रेनर कौन सा होगा और कि जो है वो बाकी इसके अलावा आपने उसकी पॉलिसी क्या होगी और कौन से इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग किस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। इट्स ऑल अबाउट दीज एक्टिविटीज़। तो ऑब्वियसली ये काम, ये ड्यूटीज़, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही इंडिविजुअल परफॉर्म कर पाएगा जिसके अंदर इन्हीं को लुक आफ्टर करने की, इन्हीं को मैनेज करने की एबिलिटीज होंगी, प्लस उसका इन्हीं कामों में किया हुआ एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। अगर हम रिक्रूटमेंट वाले जिसकी एबिलिटीज हैं उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में रख दें तो ऑब्वियसली वो तो इसमें ज़ीरो है, तो उसको तो कुछ भी नहीं आता,
तो फिर वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रही है ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। इसी तरीके से वर्कफोर्स सेफ्टी में क्या चीज़ें देखनी है क्या नहीं देखनी, वो सारी चीज़ें जो हैं वर्कफोर्स सेफ्टी वाला एक इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबल होगा इन एक्टिविटीज़ को देखने के लिए, उसका एक्सपीरियंस भी इसी में होगा। उसको पता होगा कि फैसिलिटी की इंस्पेक्शन मैंने किस तरीके से करनी है, कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई प्रोवाइडेड टूल जो है एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए वो सेफ है या नहीं है, वो वर्किंग है या कि वर्किंग नहीं है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो भी काम है उसके अंदर हमने मजीद देखा कि मेजर ड्यूटीज जो हैं या मेजर जॉब्स जो हैं, यहाँ पे हम T&D डायरेक्टर अगर लिख देते हैं सपोज, तो वो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहा होगा। और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए अगर तो उसके नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसी जैसा ना हो, तो फिर क्या होगा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो रही होगी, फिर एम्प्लॉयज जो हैं उनको तो आप उनमें स्किल्स डेवलप कर रहे हैं या उनका एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ स्किल्स पॉलिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी जॉब ड्यूटीज़ को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। अगर आपने इररेलीवेंट एबिलिटीज़ वाले इंडिविजुअल को ये टास्क दिया हुआ है तो वो तो अपने टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इंडिविजुअल्स को जिस तरह की ट्रेनिंग चाहिए उस तरीके की ट्रेनिंग वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, क्योंकि ही इज़ नॉट एक्सपर्ट इन डूइंग दीज एक्टिविटीज़। फिर क्या होगा, HR जो है वो भी ख़राब हो रहा है, पूरा HR डिपार्टमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई चेन में भी मस्ता आ रहा है, मार्केटिंग में डिमांड क्रिएट हो गई है, काम जिस तरीके का चाहिए जिस लेवल का जितनी प्रोडक्शन चाहिए उतनी प्रोडक्शन हो नहीं रही है, तो फिर आप सप्लाई क्या करेंगे, सप्लाई नहीं कर रही तो आपके कस्टमर्स या कंज्यूमर्स जो हैं वो ऑब्वियसली आपके पास एक दफ़ा आएंगे दो दफ़ा आएंगे, उसके बाद दे विल नॉट आस्क फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। उनको पता होगा कि इनकी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं, इनके आइटम्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ओवरऑल फिर जो वो ऑर्गेनाइजेशन का परसेंटेज सेल इंक्रीज करने वाला शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो नहीं अचीव हो पाएगा और फिर वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक जा नहीं सकेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ समवन इज हैविंग दिस सिमिलर एबिलिटीज नॉलेज स्किल्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो वो अपनी जॉब ड्यूटीज़ को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। और हर डिपार्टमेंट में काम करने वाला इंडिविजुअल जब अपने अपने लेवल के सारे काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा होगा और जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन हर जॉब टाइटल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज से एक्सपेक्ट कर रही होती है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन को वो एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू मीट कर रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो परफॉर्म कर रहा होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू अचीव इट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, और उसकी बेस पे फिर इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन या डेजिग्नेशन है उस तक पहुंच जाएगी। अगर तो कोई जैसे हमने यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ली, अगर ये ऐसे ही है कि यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ने एडमिशन्स अनाउंस कर दिए, ठीक है, फाइनेंस के थ्रू उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूनिवर्सिटी के लिए डेवलप कर लिया। अब यहाँ पे क्या आता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सपोज यहाँ पे हमारे पास जो है एक वो CS का डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस का, और एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट साइंसेज का है, एक जो है वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का है, तीन डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि HR के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए, HR का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं कि इंस्टीट्यूशन में तीन डिपार्टमेंट्स हमने कहे, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैनेजमेंट साइंसेज हो गया और मैथमेटिक्स हो गया, तीन डिपार्टमेंट्स हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि कंप्यूटर साइंस में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन वो ऑफर करना चाहती है, इसी तरीके से मैनेजमेंट साइंसेज में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन ऑफर करना चाह रही है, फिर देखेगी मैथमेटिक्स में जो है वो किस एरिया के स्पेशलाइजेशन वो करवाना चाह रही है। तो अब क्या करेगी
कि अगर तू वो जैसे कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन करवाना चाह रही होगी तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि पीएचडी डॉक्टर विद 5 to 10 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है उस इंडिविजुअल को हायर करेगी, क्योंकि दैट पर्सन विल बी एबल टू प्रोवाइड दी लेवल ऑफ एजुकेशन एट स्पेशलाइजेशन लेवल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसी तरीके से मैनेजमेंट साइंसेज में अगर कोई एचआरएम में स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन करवाना चाह रही हो या कोई स्मॉलर इंस्टीट्यूशन करवाना चाह रहा हो तो उसके लिए सूटेबल पर्सन पीएचडी इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, जिसका कुछ रेलिवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस होगा, और वो एडवांस लेवल का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो पढ़ा सकता है स्टूडेंट्स को। तो अब यहाँ पे अगर तो ऐसे ही लोगों को उनकी मैचिंग स्पेशलाइजेशन की बेस पे, उनकी डिग्री की बेस पे, उनको दोनों या तीनों तरह के डिपार्टमेंट्स में आपने हायर कर लिया और उस तरह की स्पेशलाइजेशन भी आपने स्टार्ट करवा दी, अब क्या होगा कि सारे ही लोग अपने अपने एरिया में सारे फैकल्टी मेंबर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट साइंसेज में जिन टीचर्स को जो जो सब्जेक्ट दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि उनकी रेलिवेंट डिग्री हो ताकि वो स्टूडेंट्स को क्वालिटी ऑफ लर्निंग जो है, स्टूडेंट की क्वालिटी ऑफ लर्निंग को इंश्योर कर सके। तो इंडिविजुअल लेवल पे हर फैकल्टी मेंबर का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा टू इंश्योर दी क्वालिटी ऑफ लर्निंग, ठीक है, अपने अपने सब्जेक्ट में। तो जब वो सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में क्वालिटी ऑफ लर्निंग को इंश्योर कर रहे होंगे तो ओवरऑल उस डिपार्टमेंट में क्वालिटी ऑफ लर्निंग जो है वो इंश्योर हो रही होगी, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट साइंसेज में हर टीचर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो रिक्वायर्ड है लेवल ऑफ परफॉर्मेंस उतना वो परफॉर्मेंस दे रहा है, क्वालिटी ऑफ लर्निंग के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, वो उसको इंश्योर करने के लिए अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स को पुट इन कर रहा है अपने लेक्चर के अंदर, तो अब क्या होगा वो क्वालिटी ऑफ लर्निंग को इंश्योर कर रहा है। और सारे टीचर्स जब ऐसे कर रहे होंगे तो पूरे डिपार्टमेंट की क्वालिटी ऑफ लर्निंग इंश्योर होगी। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में अगर हर टीचर अपने सब्जेक्ट में क्वालिटी ऑफ लर्निंग को इंश्योर कर रहा है तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की जो ओवरऑल लर्निंग है, लर्निंग की क्वालिटी, वो भी इम्प्रूव होगी। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में अगर हर हर फैकल्टी मेंबर अपनी लर्निंग की क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है तो कंप्यूटर साइंस के पूरे डिपार्टमेंट की लर्निंग जो है वो इंक्रीज होगी। अब जबकि तीनों ही डिपार्टमेंट्स परफेक्टली काम कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लर्निंग को बेहतर बना रहे हैं, उन्होंने इम्प्रूव किया है, उसको इंश्योर किया है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहा होगा। जब ये अचीव हो रहा होगा तो क्या होगा, अब आप जहाँ जहाँ जाएंगे हर डिपार्टमेंट से जिन लोगों ने एजुकेशन ली है, आफ्टर पासिंग देयर डिग्री वो क्या करेंगे कि जाएंगे जब मार्केट में तो जहाँ जहाँ जाएंगे बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन उनके वो एक पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करेंगे। अगर तो क्वालिटी लर्निंग की क्वालिटी अगर इंश्योर की हुई है हर डिपार्टमेंट ने तो उस डिपार्टमेंट से डिग्री लेने वाला हर पर्सन, हर स्टूडेंट जब पास आउट होगा तो जहाँ भी जॉब करेगा कंपनीज उसके बारे में बातचीत करेंगी कि फला इंस्टीट्यूशन जो है उससे आने वाले स्टूडेंट्स का कैलिबर बहुत हाई होता है, या वो बड़ा एफिशिएंटली या इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहे होते हैं, या वो बाकी स्टूडेंट्स बाकी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आने वाले स्टूडेंट से बेहतर होते हैं। यही वजह होती है कि जो नस्ट है, अगर हम इंजीनियरिंग का नाम लें, अगर हम एग्रीकल्चर का नाम लें तो हमारे पास दो तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग का नाम लें तो दो तीन यूनिवर्सिटीज़ के नाम हमारे माइंड में आ जाते हैं, वो इसी वजह से बने होते हैं कि उनका वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव बना होता है ड्यू टू देयर ह्यूमन रिसोर्स, ड्यू टू देयर टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स जो कि अपने अपने लेवल पे अपनी ड्यूटीज बड़े अच्छे तरीके से सरंजाम दे रहे थे। तो गोल्स जब अचीव होते हैं
तो अब ये पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फैलता है, हर कोई बात कर रहा होता है कि हाँ नस्ट का बंदा है। अब उस नस्ट की सपोज डिग्री होल्डर्स में उनका एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बना हुआ है कि वो बहुत इनक्रेडिबल होते हैं, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकली दे कैन इम्प्लीमेंट देयर बुकिश नॉलेज। तो अब क्या होगा, मार्केट में जब भी नेस्ट का कोई स्टूडेंट जाएगा, हो सकता है इंटरव्यू के बिना ही उसको हायर कर लें, उनको पता होगा कि नेस्ट से पढ़ा हुआ है, तो ये प्रैक्टिकली अपने लर्न नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने की एबिलिटी रखता है। तो ऑर्गेनाइजेशन तो इसीलिए अपने हर टीचर से क्वालिटी ऑफ लर्निंग को इम्प्रूव करने की बात कर रही होती है और एक्सपेक्ट कर रही होती है उससे। तो जब ये गोल अचीव होता है तो अल्टीमेटली सारे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ देने लग जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन फिर वहाँ पहुँच जाती है वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांटेड टू गो, जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन होती है, जो उसने शुरू में ही प्लान किया होता था कि मैं क्या करूँगी इस इंडस्ट्री में रहते हुए, या अपनी फंक्शनिंग इस तरीके से करूँगी कि यहाँ पे मैं पहुँच सकूँ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड